हरिचरण गुर्जर अपने 600 समर्थकों के साथ बसपा पार्टी में शामिल हुए। वहीं बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने और इस मुकाम तक पहुंचाने वाले काशीराम के 16वें परिनिर्वाण दिवस पर बसपा ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। बेतरवा विधानसभा में कांग्रेस नेता कालीचरण गुर्जर अपने 600 साथियों के साथ बसपा में शामिल हो गए। रविवार को भीतरवार में दशहरा मैदान में आयोजित एक समारोह में कालीचरण गुर्जर ने बसपा नेता रामजी गौतम की मौजूदगी में बसपा की सदस्यता ली। इस मौके पर कांग्रेस नेता बनवारी भी कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल हो गए। दरअसल भीतरवार विधानसभा से कांग्रेस नेता लाखन सिंह विधायक है, लेकिन पूरे क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस को लेकर नाराजगी है। वेतनमान में लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनके क्षेत्र का विधायक जनता की आवाज नहीं उठा रहा है। यही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही। विधायक लाखन सिंह वन मैन शो की तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर बसपा में शामिल कालीचरण गुर्जर ने कहा कि वे बसपा को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बसपा नेता रामजी गौतम ने कहा कि भीतरवार विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस और भाजपा को देख चुकी है। दोनों ही दलों ने जनता को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, बसपा ही जनता के सामने एकमात्र विकल्प है। जो सदस्यता ली है आपने, कौन सी सदस्यता ली है? बीएसपी की सदस्यता ली है। क्यों ली आपने? क्या सोच क्या पार्टी का नेचर रहा है? क्या है इधर ओबीसी और SC ST इन सब लोगों की कोई सुन तो रहा नहीं है हमारी लोगों की। बीजेपी कांग्रेस में कोई सुनने वाला नहीं है हमारा, तो इसलिए हमने BSP की सदस्यता ली है। चुनाव और देखते हैं, अभी तो कार्यकर्ता की हैसियत पर ली है, पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है। भीतरवार विधानसभा से आते हैं हम, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमने अपनी पार्टी में इसमें सदस्यता ली है। इससे पहले आप किस पार्टी में थे? हम कांग्रेस में। कितना समय हो गया कांग्रेस में? हमेशा से कांग्रेस का ही सपोर्ट करते हैं। अभी आपके साथ कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की? हम 300-400 लड़के हैं। किस तरह की आगे अभी जिम्मेदारी रहेगी? देखें पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है। उद्देश्य क्या है? मूलभूत उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि अभी भीतरवार विधानसभा से हम आते हैं, वहाँ पे देखें जिम्मेदारी हमें पार्टी देती है क्या। अगर जिम्मेदारी दी तो कार्य करेंगे आगे के लिए। एक बड़ी पार्टी कांग्रेस की कांग्रेस छोड़कर आपने, कांग्रेस ने बहुत कंडीशन खराब करके रखा है भीतरवार विधानसभा का, तो कोई विकास तो हुआ नहीं है वहाँ पर। आज 20 साल से कंटिन्यूस विधायक बाकन सिंह जी हैं, लेकिन विकास के नाम पर तो बैठ के रह जाते हैं घर पे। मैं क्या करूं, मेरी सरकार नहीं है, तो फिर भी MLA तो है ना, लेकिन विकास कुछ नहीं है। रोड देखो जाके, कोई किसी गांव में पहुंच नहीं सकते अपन, लाइट पानी सब चीज़ें की परेशानी आती है किसानों पर। जैसा कि आपने आज सदस्यता ज्वाइन करी है, तो क्या रणनीति बनाई है आपने जुड़ने से पहले, कि क्या रहेगा आपका विधानसभा चुनाव की कोशिश करते हैं? अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं देगी जिम्मेदारी तो एक अलग बात है, कार्यकर्ता ही ऐसे कार्य करेंगे। एक बड़ी पार्टी से आपने सदस्यता दूसरी पार्टी मिली है, तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे? जी तो बड़ी और छोटी तो अपने व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, जितना जिसका व्यवहार होगा वही बड़ी बन जाती है।